आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ई रिक्शा के बारे में और इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं देव ऑटोमोबाइल जो मतगम्मा चौक पे स्थित है। आपको लोकेशन भी दिखा देते हैं कि ये मतगम्मा चौक आपको सामने दिख रहा होगा और ये मतगम्मा चौक के पास ही है। आने वाले समय में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं, अंदर शोरूम के अंदर चलते हैं और प्रेम जी से बात कर लेते हैं। प्रेम जी जो हैं वो पूरा फीचर्स बताएंगे, तो चलिए अंदर आपको चलते हैं। पहले इलेक्ट्रिक स्कूटी से स्टार्ट करते हैं, उसका क्या फीचर्स है, क्या प्राइस पड़ता है वो आपको बताते हैं। तो प्रेम जी को बुलाना चाहते हैं और प्रेम जी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो प्रेम जी सबसे पहले बताएंगे ये स्कूटी के बारे में और इसका प्राइस के बारे में, इसके पूरे एस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो प्रेम जी आपसे है, ये कौन सी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी है? ये हमारे हीरो इलेक्ट्रिक है, नंबर वन जो हीरो बाइक बनाती है जी, उस कंपनी का हीरो इलेक्ट्रिक बाइक है, एक जो कि लिथियम पावर के साथ में आता है। अच्छा, इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम की है? लिथियम पावर में आता है। तो इसका सबसे पहले प्राइस बताइए कि इसका प्राइस जो है कितना है, आएगा? ये आपका एक शोरूम प्राइस है 75,000। अच्छा, और इसमें आपको 3 साल का वारंटी मिलता है। अच्छा, एक साल में बैटरी या फिर इसके जो मोटर लगा हुआ उसका? मोटर और बैटरी दोनों में, दोनों का 3 साल। हाँ, दोनों का। और इसका जो ऑन रोड प्राइस जो पड़ेगा वो आपका 75,000 पड़ जाएगा। 75,000। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हीरो कंपनी की स्कूटी है और ये इलेक्ट्रिक है, और इसका एलॉय भी आप देख सकते हैं कि एलॉय भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप हेडलैम्प भी देख सकते हैं LED यूज़ की गई है। तो चलिए प्रेम जी से पूछ लेते हैं कि इसका जो रेंज है वो कितना किलोमीटर चलेगा? इनका रेंज है एक बार चार्ज करने में आपको 60 से 70 किलोमीटर का माइलेज देगा। तो एक बार अगर चार्ज करते हैं तो 60 से 70 किलोमीटर ये चलेगा। तो इसको चार्ज कितना देर चार्ज करेंगे? चार्ज होगा आपका 3 से 4 घंटा चार्ज होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये आप स्कूटी लेते हैं तो आप मात्र 3 घंटे चार्ज करके 60 से 70 किलोमीटर आप चला सकते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी का जो प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी बेस्ट है मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आपको चार्जिंग का जो फैसिलिटी है वो मात्र 3 घंटा है और आप किलोमीटर देख ही सकते हैं कि 60 से 70 अप्रॉक्स 60 किलोमीटर तो 100% चलेगी। तो चलिए बात करते हैं प्रेम जी से कि ये बाइक अभी कोई मार्केट में यहाँ पे लिया हुआ है, कितने पीस अभी आप बेचे हुए हैं? हमने अभी तक लगभग इसका 4 मॉडल बेच चुके हैं जी। और इसमें जो कलर, मतलब यही कलर आती है या फिर और कोई कलर? इसमें रेड कलर आती है। अच्छा, और ये मैट ग्रे है, बस दो ही कलर में। अच्छा, दो, ये स्कूटी जो आप देख रहे हैं ये हीरो की है और ये दो कलर में आती है, एक ये मेटल ग्रे और एक रेड कलर में आती है। तो चलिए साथ ही बात कर लेते हैं योगो बाइक्स के बारे में। तो प्रेम जी बताएंगे इसके एस्पेक्ट्स। तो प्रेम जी बताइए इसका सबसे पहले ऑन रोड प्राइस कितना पड़ेगा? ये आपका 60,000 पड़ जाएगा। 60,000। हाँ, और ये हमारे मयूर कंपनी का को ब्रांड बाइक है। अच्छा, मयूर, मतलब ये जो डीलरशिप है ये मयूर कंपनी के डीलरशिप लिए हुए आप लोग। तो ये भी बाइक है जो है आप मयूर की है, और यहाँ इस पर आपको दो कलर मिल जाता है, आप देख सकते हैं दोनों ही काफ़ी फैंसी लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका जो रिम यूज़ किया है वो भी मेटल का यूज़ किया गया है, और इसका जो फुल बॉडी है फुल आपको मेटल बॉडी मिल जाएगा। तो मुझे जो पर्सनली अच्छी लगी कि इसमें आपको सैडल स्टे मिल जाता है, और आप सामान रखने के लिए कोई भी चीज़ अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो प्रेम जी से पूछ लेते हैं कि इस सीट के नीचे भी कुछ जगह दिया हुआ है क्या? हाँ। अच्छा, तो आपको खोल के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, आपको इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और साथ ही आपको लुकिंग ग्लास भी मिल जाएगा। तो गाड़ी का मॉडल भी आपको दिखाते हैं आगे से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल दे रहा है वो काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो बैटरी जो इंस्टॉल नहीं की गई है
अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें बैटरी इंस्टॉल करके दिया गया है, फीचर्स आपको भरपूर मिलेगा। ये आपको अपर डिपर लाइट है और ये इंडिकेटर, इसका मॉडल भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। और यहाँ पे हॉर्न और ये जो बटन आप दी गई है ये रिवर्स की है, अगर आप इसे दबा के रिवर्स करते हैं तो रिवर्स हो जाएगी। और राइट साइड में आपको दिखा दें, यहाँ पर आपको ऑन ऑफ़ हेडलाइट ऑन ऑफ़ बटन मिल जाता है। और ये जो 1, 2 और 3 जो दी गई है स्पीड के लिए दी गई है, तो अगर आप 1 में चलाते हैं तो नॉर्मल स्पीड चलेगी और जब आप 3 कर लेते हैं तो उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये सेल्फ बटन मिल जाएगा। तो गाड़ी में भर भर के फीचर्स दिया गया है। और साथ ही बात करें पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको बैठ के दिखाते हैं कि इसका जो कंफर्ट दिख रहा है वो कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अनिकेत जी बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जो स्कूटी है वो काफ़ी छोटी लग रही है, एक्चुअली ये घर के यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसी का जस्ट सेम आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसका कलर। प्रेम जी को बोलते हैं आगे बैठने के लिए, तो प्रेम जी कृपया बैठ के बताएं। और अनिकेत जी तो कैसा फील कर रहे हैं आप बैठ के, इसमें बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? थोड़ी सी कम स्पेस है बट बैक सपोर्ट सही है। तो इस सीट भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी कुशन की बात करें तो रियली में कुशन भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, आपको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो प्रेम जी से पूछ लेते कि इसका जो टॉप स्पीड है वो कितना मिलेगा, कितना स्पीड जा सकता है ये? ये आपका 25 से 30 तक टॉप स्पीड है, क्योंकि अच्छा। ये लो स्पीड बाइक है, स्कूटी है। अच्छा, तो ये लो स्पीड स्कूटी है, अप्रॉक्स 30 से 40 का स्पीड चलेगा। तो फिर भी आप 30 से 40 काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको डिस्क भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिस्क भी मिल जाता है, तो ब्रेकिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये भी मॉडल जो है ये भी काफ़ी अच्छा कलर में आपको अवेलेबल है। तो प्रेम जी से पूछ ले रहे कि इस वेरियंट का और भी कलर आता है क्या? नहीं, इसका सिर्फ दो ही कलर है। अच्छा, इसका भी दो ही कलर है जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो देख सकते हैं कि स्कूटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे पर्सनली। और मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें और मैसेज करें, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ। अगर आपको ये बाइक लेनी है तो आप देव ऑटोमोबाइल आ सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। रिक्शा के बारे में भी बात कर लेते हैं।